यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त कोरोना के सामने लड़ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज्योति, होम्योपैथ प्रैक्टिशनर एंड मेंटल हेल्थ कोच। आज आपके लिए लेके आई हूं एक खास मोटिवेशनल वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको देगा हेल्थ और लाइफ एजुकेशन से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशंस। आज एक बार फिर से अकबर ने बीरबल की कसौटी लेने की ठान ली थी। अकबर ने बीरबल को एक बकरी देते हुए कहा कि तुम्हें इस बकरी को अपने घर एक महीने के लिए रखना है और इस बकरी का सारा खाना पीना राजमहल से दिया जाएगा। इस बकरी को हर रोज देखने के लिए एक पशु चिकित्सक भी आएगा, जिससे तुम इस बकरी को बीमार ना कर दो। इसी के साथ साथ ये भी चेतावनी दे दी कि इस बकरी को कोई भी शेर के सामने लाके डराना मत, और यदि एक महीने के बाद जब ये बकरी वापिस आई तब इसका वजन जरा सा भी बढ़ा तो तुम्हें एक साल की जेल की सजा हो। फिर क्या, दरबारी तो मन ही मन मुस्कुराने लगे थे क्योंकि बीरबल इस बार भला फंसा था। बीरबल उस बकरी को अपने घर ले गया। हर रोज की दिनचर्या शुरू हो गई। हर रोज राजमहल से शाही चारा बकरी के लिए आने लगा। वो कम था कि हर रोज पशु चिकित्सक भी उसे अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां देने लगा था, जिससे बकरी की सेहत और अच्छी हो जाए। 2 से 5 दिनों में तो बकरी का वजन बढ़ने लगा। फिर क्या, ये देख के बीरबल को तो चिंता होने लगी। बीरबल ने एक आइडिया आजमाया। एक महीने के बाद बकरी को वापिस राज दरबार में लाया गया और उसका वजन किया गया। वजन देख के ही सब लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि बकरी का वजन कम हो चुका था। राजा अकबर भी सोचने लगे, ये क्या, शाही चारा खाने के बावजूद, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां खाने के बावजूद बकरी का वजन बढ़ने की जगह कम कैसे हो सकता है। अकबर ने बीरबल को ही इसका राज पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सिर्फ हर रोज मेरी पत्नी से एक बात किया करता था जो शायद बकरी सुन लेती थी। कि राजा, बकरी का इतना ख्याल इसीलिए रख रहा है क्योंकि एक महीने के बाद बकरी की बलि चढ़ा दी जाए, शायद इसीलिए वजन नहीं बढ़ा होगा। बकरी का वजन डर के मारे नहीं बढ़ा, इसी तरह आज हमारे साथ हो रहा है। कोरोना के सामने लड़े जाने वाले इस युद्ध में हमारे पक्ष में बहुत बड़ी सेना है। शरीर का एक एक सेल कोरोना के सामने लड़ रहा है। शरीर के मिलियंस केमिकल्स है जो कोरोना के सामने लड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस सेना को और मजबूत बना सके वैसा खाना हमें दिया जा रहा है, साथ ही में अच्छी दवाइयां, अच्छे इंजेक्शंस भी दिए जा रहे हैं, और इससे भी बड़ा परिवार का साथ है हमारे साथ। फिर भी हम क्यों नहीं जीत पा रहे, क्योंकि हमारा एक सैनिक है जो कोरोना के साथ है, और वो है हमारे दिमाग में छुपा भविष्य की चिंता, हमारे दिमाग में छुपा डर, भय, तनाव, स्ट्रेस। चाहे हमारे पास कितनी भी मजबूत इम्यूनिटी क्यों ना हो, हमारे पास कितना भी अच्छा खाना है, हमारे पास कितने भी अच्छे इंजेक्शन है, लेकिन जब तक हमारा डर कोरोना के साथ है तब तक हमारी जीत मुश्किल है। दोस्तों, इस डर में से बाहर आइए, डर को जीतने मत दीजिए, क्योंकि अगर आप डर को जीतने दोगे मतलब कोरोना को जीतने दे रहे हो। डरने की बात नहीं है, सोचिए कि आप जो भी हर रोज खाना खा रहे हो वो आपकी इस सेना को और मजबूत बना रहा है। हर रोज के इंजेक्शन, हर रोज की दवाइयां आपको और मजबूत बना रही है, और आप कोरोना के सामने जीत रहे हो। आप जो लंबे समय से इस जीवन में भागदौड़ कर रहे हो उसमें से आपको थोड़े दिन की छुट्टी मिली है आराम करने की। सोचिए कि इस आराम से आप अपने शरीर को और मजबूत बना रहे हो।
इस वायरस को हरा रहे हो और बाहर आ रहे हो। अगर आप इस डर को हरा देते हो तो समझ लो कोरोना भी हार ही जाएगा और आप जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, आपके पास है सबसे अच्छी दवाइयां, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट और सबसे अच्छी इम्यून सिस्टम, और इसीलिए आप जल्दी से जल्दी बाहर आ सकते हैं। डरने की बात नहीं। धन्यवाद।